भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पांचवा T20 मुकाबला रविवार को बेहद शानदार रहा और भारतीय टीम ने एक बार फिर रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की और 5-0 से न्यूजीलैंड को उसी के घर में रौंद दिया। भारतीय टीम अब T20 क्रिकेट इतिहास में पहली ऐसी टीम बनी जिसने किसी टीम को 5-0 से हराया है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम की इस जीत में टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा। दरअसल रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। दरअसल रोहित शर्मा जिस तरीके से दर्द से करा रहे थे वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। रोहित के घुटने के पास चोट लगी और वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गेम को आगे ले जाने का मन बनाया। दरअसल इस मुकाबले में विराट नहीं खेल रहे थे, ऐसे में रोहित शर्मा से उम्मीदें थी कि वो एक लंबी पारी खेले और वो खेल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ईश्वरी की अगली गेंद पर ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर चोटिल होने के बाद उन्होंने 2-3 गेंदें खेली, लेकिन उसके बाद वो दर्द से कराह रहे थे। छक्का जड़ने के बावजूद रोहित शर्मा से जब खेला नहीं गया तो फिजियो उन्हें मैदान से बाहर ले जाने लगे। रोहित शर्मा की इस कप्तानी पारी को पूरा देश याद रखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने आखिरी मुकाबले में शानदार पारी खेली उससे हर कोई रोहित की इस पारी की तारीफ भी कर रहा है। हालांकि रोहित शर्मा इस चोट की वजह से न्यूजीलैंड दौरे की बची हुई वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रोहित बहुत जल्द फिट हो जाए। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।